स्वागत बिंदन। आज हम शेमुषी प्रथमोभाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पाठा अष्टमा लोहतुला पंचतंत्र से है कथा। लोहतुला का मतलब क्या होता है? लोहे की तराजू। थोड़ा सा समझते हैं पाठ का सार। अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचितम पंचतत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद नाम नामक तंत्रस्य संपादिता अंश अस्ति। अस्यां कथायां एका जीन धनिका धन नामक वर्णिक विदेशा व्यापार कृत्वा प्रत्यावर्त संरक्षित 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 यानी व्यास रूपेण प्रदत्ता तुला धनिका पंच सह धनिका। इस प्रकार वदति यत् तस्य तुला तुम उसका ही दक्षिता तस्य सह वणिका धनिका से पुत्र स्नानार्थम नदीं प्रति नयति तं तत् नीत्वा च स एकस्यां गुहाया नीयते प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिका प्रक्षति मम शिशु पुत्रास्ति। सा वदति यत् तत् पुत्र शयेन शयेन अपृतः तदा उभौ वंदतौ न्यायं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। आप थोड़ा अनुवाद समझते हैं कि जो लोहतुला है तो वो किसके द्वारा रचित है? विष्णु चाहिए जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र इस कथा ग्रंथ का मित्र भेद नामक तंत्र का संपादन संपादित अंश है। और इस कथन में एक जीर्ण धन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर सुरक्षित धनवर के रूप में दी गई तराजू को सेठ से क्या करता मांगता है। परंतु वह सेठ कहता है कि उसकी जो तराजू तो चूहों ने क्या कर लिया खाली है। उसके बाद वह व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए कहाँ भेजता है? नदी की ओर ले जाता है और उसको वहां ले जाकर एक गुफा में क्या कर देता है छुपा देता है। लौट कर आते हुए पुत्र को ना देखकर सेठ पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ? तो वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। तब दोनों क्या करते हुए बात करते हुए न्यायालय की ओर गए जहां न्यायाधिकारियों ने क्या किया न्याय दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। संस्कृत और भावार्थ दोनों ही पढ़ेंगे। आसीत तत्निश्चित अधिष्ठानी जीर्ण धनु नाम वाणिक पुत्र सच विभक्षा देशांतरम गंतुम निक्षण व्यचिंत्य यत्र देशे त्वा अथवा स्थानी भोगा भुक्ता स्वीर्यतः तस्मिन् विवहीनो बनिया विवाह विवाहीनो यो वसेत सह उत्साह भमा तस्य च ग्रहे लोह घटिका पूर्व पुरुषा पुरुषोपार्जिता तुला आसी ताम च कस्यचित त्रेष्ठिनो ग्रहे निपेक्ष भूतां कृत्वा देशांतरं प्रसिता तः सुचरं कालं देशांतरं यथेक्षाया भान्त्वा पुनः सपुरम आगततम श्रेष्ठम अवगत भो श्रेष्ठ दीयताम मेषा वेश तुला सोवदत क्या बोला वो नास्ति सा त्वा दिया तुला मुझे भक्षिता इति। अनुवाद समझिए यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् यः पुरुषः विभवहीनः वसेत् सा अधमः भवति। चलिए शब्दार्थ समझिए। अधिष्ठाने स्थान पर बड़े व्यापारी बड़े विभव विभक्षा धन के अभाव के कारण धनाभाव देशांतरम दूसरे देश विदेशम व्यचिंत्य सोचा अचिंत्य भुक्ता भोग किया गया उपभोग उपभोक्ता स्वीयता है अपने अपने
अपने पराक्रम से यानी स्वपराक्रमे अधमा निर्लज्जा लोह घटिका तुला यानी लोहे की बनी हुई तराजू लोह निर्मता तुला उपार्जिता खरीदी या कमाई या क्रीडा श्रेष्ठा सेठ के यानी आपनी कस्य निपेक्षा धरोहर न्यासा प्रसिद्ध चला गया गमनम कृतम सूर्यचम काला बहुत समयम यावत भ्रांत्वा घूमकर पर्यटन करके भ्रमण कृत्वा देशा तनम कृत्वा स्व यानी अपने यानी पुरम नगर को नगरम आदत आकर यानी प्राप्त उवाच उवाच का होता है बोला या अवगत मैं मेरी यमा अवगत बोला तो भी या तुम्हारी यत्ता या भविया भक्षिता खारे खादिता अब चलिए सपना अनुवाद समझिए जैसे कि मैंने समझाया किसी स्थान पर जीन धन नामक व्यापारी का पुत्र था और उसने धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की क्या की इच्छा करते हुए सोचा क्या सोचा जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्यों का भोग किया गया हो उसी स्थान पर जो मनुष्य धनहीन होता रहता है तो वह निर्लज्ज अधम होता है अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया गया जिस देश स्थान पर तो उसी स्थान पर जो मनुष्य धनहीन होता रहता उसके घर पर पुरुषों के द्वारा खरीदी गई लोहे की तराजू थी उसको किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर अर्थात पर्यटन करके फिर से अपने नगर आकर उस सेठ से बोला किससे बोला उस सेठ से बोला क्या बोला वे सेठ मेरी वह धरोहर रूप में रखी हुई तराजू दे दीजिए तो वह बोला अरे वह तो नहीं है तुम्हारी तराजू कौन खा गए चूहे खा आप दूसरा समझिए जी न धना अवगत दोष रेशना नास्ति दोष मिते यति मुष्टि भक्षिता ईदृशः अयम संसार है ना किंचित दत्त शाश्वत मस्ती पर महम नाद्यम स्नानार्थम गमिष्यामि तत् त्वम् आत्मीयम् एनम् शिशु धन देवान् नामानम् मया सह स्नानोपकरण हस्तम् प्रेष्यति सा श्रेष्ठी का पुत्र मगत वत्स पित्रो यो अयम् तव स्नानार्थम् यास्यति तद् अनेन साकं गच्छति अथासौ श्रेष्ठ पुत्र धन देव स्नानोपकरण माताय रहस्यमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता तथा अनुष्ठाने सा वर्णिता स्थान स्वातम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारा बृहत् शिलाया आच्छत् मतलब आच्छदाय सद्वरम ब्रह्मागतम आप समझिए शब्द अब जैसे मैंने पहले बताया बोला ई दृशा ऐसा ही एतादृशा एक वयम ही यह शाश्वतम सदा के लिए इस तरह आत्मीयम अपने आत्म संबंधी ठीक है माया यह सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम स्नान की सामग्री आपने लेकर स्नान सामग्री हस्ते यस पितृव्य चाचा पितु भ्राता साकम साथ सह असंग सह प्रहस्य माना प्रसन्न मन से अभ्या गते सब अतिथि के साथ अतिथि ना सार्धम प्रसिद्ध चला गया आगच्छत तथा अनुष्ठाने वैसा ही होने का तथ्य भूते गिरी गुहायाम पर्वत की गुफा में पर्वतस्य गुहायाम प्रक्षिप रखकर छुपाकर फेंक कर स्थापित हुआ बृहस्शिला बड़े पत्थर से बृहत रखता रहे आगच्छ आच्छाद्य धक्का अवरुद्ध सद्वरम शीघ्र ही या शीघ्र अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पिक्चर ली हुई है यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्याय के लिए आए ठीक है ना ये पिक्चर चलिए आगे पढ़ते हैं अनुवाद समाधि हे
खा गए हैं तो तुम्हारा दोष नहीं। यह संसार ऐसा ही, यहाँ कुछ भी सदा के लिए शाश्वत नहीं, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम अपने इस बलदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ जाकर भेज दो। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, पुत्र यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए इनके साथ चले जाओ। इसके बाद वह जो व्यापारी का पुत्र है, धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। और वैसा ही होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में क्या कर दिया, छुपा कर उसके द्वार को, जो जहाँ छुपाया था, बड़े पत्थर से ढककर सीढ़ी क्या किया, घर आ गया। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सह श्रेष्ठी पृष्टवान वो अभ्यागत कथाम पुत्र में शिशु चया सह नदी गत पुत्र नदी तटा शयनेन इति श्रेष्ठी अवदत मिथ्यावादिन किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति तत्समर्थ पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति सो कथयत वो सत्य वादिन यथा शयनो बालम न नयति तथा मुष्का अपि लोक घटिका घटिका तुलाम न भक्ष्यन्ति तदाप्या मे तुलाम यदि तदा दार्भेण प्रयोजनम इति एवं विवदमानौ तौ द्वापि राजकुलं गतौ तत् श्रेष्ठी तार स्वरे अवदत। क्या बोला, वो वंचितो अहम ब्रह्मया अनेन चोरेण मम शिशु अपहृति अत धर्माधिकारेण धर्माधिकारिणा तम अवदन अवदन भो समप्रयाथां श्रेष्ठि सुतम शब्दार्थ यह माने जो तुम्हारे साथ भवताम सहाधर्म अवदत जैसे मैंने बताया बोला तथा किनारे तट भागा चैना बाज हिंसा प्रवृत्तिका पक्षी विशेष गता ने अपहरण करना कर लिया गया अपहता मिथ्या झूठ असत्यम त्वचित कही ने पुत्र चित शक्नोती सत्ता लक्ष्मा भवती समर्पया लौटा दो देही राजकुले राजदरबार में राजसभायाम नैति ले जाता है दार तेन पुत्र से पुत्रे प्रयोजनम यानी आवश्यकता द्वापि दोनों ही दो अपि विविधा मानव झगड़ा करते हुए कला उन्वंतव तार स्वरेण बहुत जोर उच्च स्वरेण वंचितो हम मैं ठगा गया अहम वंचिता आ ब्रह्मणम बोर अन्या रूपम अनुचितम धर्माधिकारिण न्यायकर्ता न्यायकर्ता अवधन यानी बोले आप अनुवाद समझते हैं। उस सेठ ने पूछा, अरे अतिथि बताओ कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। कहाँ गया था, नदी पर। तो वो क्या बोला, नदी के किनारे से तुम्हारा पुत्र बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। सेठ बोला, अरे झूठे, क्या कहीं बाज बालक का अपहरण कर सकता है, इसलिए मेरे पुत्र को लौटा दो, नहीं तो मैं राजदरबार में निवेदन शिकायत करूंगा। वह बोला, अरे सच बोलने वाले, जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी तराजू को नहीं खाते, इससे मेरी तराजू क्या करो दे दो, यदि तुम्हें पुत्र की आवश्यकता हो तो। इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों ही राज दरबार में जाते हैं। वहां से जोर से बोलता है वो, मतलब जोर से बोला, अरे मैं ठग गया हूँ, मैं ठग गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, घोर अन्याय इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया। इसके बाद न्यायकर्ताओं ने उस व्यापारी पुत्र से कहा, अरे सेठ के पुत्र को क्या करो, लौटा दो। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको लोहतुला नामक पाठ के अनुवादों को समझाया, आप इसको लिखिए कॉपी में और याद करते जाइए। धन्यवाद।